हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस स्ट्रगल। गाइस, जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में बात की थी कि आपका DEC 4 जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको पहले के अकॉर्डिंग ही रिटर्न करना है, स्कूल ओपन वाला प्रोजेक्ट बनाना है। बट आज इस वीडियो में बात करेंगे DEC 4 बुक के बारे में। क्या आपको ये बुक रिसीव हो चुकी है? अगर आपको ये बुक मिल चुकी है तो इस बुक में आपको क्या रीड करना है, और आप जो DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क है अगर खुद से बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो इस बुक की हेल्प से। तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे। अगर आप भी अपना जो DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप वर्किंग पर्सन हो और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करवाने का, तो आप हार्ड कॉपी इश्यू करवा सकते हो। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही गाइस, प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ PDFs प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो देखिए, ये आपका जो मेन पेज है DEC 4 बुक का, तो ये बुक उन बच्चों को रिसीव हुई होगी जिन बच्चों ने लाइक जैन फेब या फिर मार्च में एडमिशन लिया होगा, क्योंकि उन बच्चों को बुक्स मिल चुकी है। जिन बच्चों ने रिसेंटली मई या जून में एडमिशन लिया है, मई जून या जुलाई में एडमिशन लिया है, और अभी भी इसकी जो डेट है लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 10 अगस्त तक इसकी एडमिशन सभी रेगुलर चल रही हैं, उन बच्चों को ये बुक्स थोड़े टाइम में मिलेगी। तब आपके पास ये जो बुक आएगी DEC 4, जो कि आपके प्रोजेक्ट वर्क की एक बुक है, तो इस बुक में देखिए प्रॉपर प्रोजेक्ट वर्क के बारे में सब कुछ बताया होता है, बट कैंडिडेट्स को रीड करना नहीं आता या फिर कैंडिडेट्स को पता नहीं चलता कि इस बुक में इन्होंने क्या बता रखा है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कैसे बनाना है। जब भी हम रैंडमली किसी फ्रेशर कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है प्रॉपर 1 मंथ का होता है और तकरीबन 180 से लेकर 200 पेजेस का आपको ये बनाना होता है, तो सबका मीनिंग यही रिएक्शन होता है कि मैम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा और इसमें क्या क्या रिटर्न करना है। तो ये मीनिंग जो मीनिंग बात है, ये कंफ्यूजिंग है, ये सबके माइंड में रहती है। तो आज इस वीडियो में ये बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगी, क्योंकि ये बुक आपके पास होगी। अगर मान के चलो आपके पास ये बुक नहीं है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये बुक नहीं है, तो आपको सिंपल क्या करना है, क्रोम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है DEC 4 बुक इन हिंदी या फिर इन इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है। तो आपके पास फर्स्ट मीनिंग लिंक आएगा, वहां से आप ये बुक को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज ये जो प्रोजेक्ट मैनुअल है हिंदी का, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मीनिंग डाल दूंगी, PDF डाल दूंगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं, वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब समझाऊंगी कि बुक में से क्या क्या चीज़ आपने देखनी है और कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। मेन हम बात करते हैं, पहले चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क में, यहाँ पे तो इन्होंने मीनिंग बेसिक डिटेल्स मेंशन की हुई है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका कैसे बनाना है, स्कूल ओपन वाला होता है, स्कूल में जाकर बनाना है। तो ये चीज़ आप मैनुअल अपनी जो PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हो, बट मैं मेन बात बताऊंगी जहाँ से आपने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो स्टार्ट करना है। अभी देखिए इन्होंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, परियोजना कार्य की योजना बनाना। परियोजना कार्य क्या है? जैसा कि आप पहले ही कार्यक्रम दक्षता में पढ़ चुके हैं, परियोजना कार्य के अंतर्गत आपको कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, कम से कम 30 या फिर ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के लिए शालापुर केंद्र नर्सिंग स्कूल में कार्य करवाना होगा और वहां बच्चों के साथ क्रियाएं आयोजित करनी होगी। वही चीज है कि आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, और वहां जाकर आपको बच्चों के साथ मीनिंग क्रियाएं करनी होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोजेक्ट रिटर्न करना है और सेम ही उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनानी है, क्योंकि पिछले 2 ईयर्स से जो वीडियोस है वो कंपल्सरी है। तो इस बार भी जो न्यू गाइडलाइंस आएगी उसमें भी वीडियो कंपल्सरी होगी, उसके भी डिटेल्स हम आपको चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है परियोजना कार्य प्रम करना, तो ये चीज स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो ज्यादा मीनिंग बेसिक नहीं है। मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताती हूँ जो चीज आपकी रीड करने वाली है। अगर आप फ्री हो तो इसको इजीली आप रीड कर सकते हो, समझ में मीनिंग अगर आप रीड भी करोगे ना, आई होप समझ में आ जाए। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि मैम हमें तो कुछ नहीं समझ आया, हमने पढ़ लिया बट कुछ भी समझ नहीं आया। तो बस शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, वेट, ये आपका मेन पार्ट है भाग 6, जो कि 25 पेज नंबर है, प्रथम चरण। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है, जो DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क होता है, मान के चलो आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो प्रोजेक्ट वर्क 3 पार्ट होते हैं इसके। प्रथम चरण होता है, और दूसरा चरण होता है, और तीसरा चरण होता है। जो आपका फर्स्ट चरण होता है वो 5 डेज का होता है, दूसरा चरण आपका 20 डेज का होता है, और तीसरा चरण आपका होता है 5 डेज का। तो टोटल 30 डेज का प्रोजेक्ट होता है प्रॉपर 1 मंथ का। तो फर्स्ट चरण में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 5 दिनों के दौरान आपको गाइड का अवलोकन करना है।
आपको क्या अवलोकन करना है, रिपोर्ट में क्या लिखना है, इसका वर्णन भाग तीन के उपाग 3.3 में किया गया किया जा चुका है। मान के चलो जो अभी हमने स्किप किया था ना, तो उसमें है, बट वो चीज आपको कुछ नहीं करनी, इसके आगे भी दिया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस भाग में आप बताएंगे कि गाइड का अवलोकन करते समय आपको नोटिस, आपने क्या क्या चीज नोटिस की है उसके बारे में लिखना है, और क्या क्या आपके सजेशंस है, आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, वो चीज आपने मेंशन करनी है। तो देखिए, जो आपका पहला पार्ट होता है, पहला आपका चरण होता है, उसमें प्रॉपर 5 दिन का होता है। पहले दिन आपको क्या करना है, जो भी आपका गाइड है आपने उसको ऑब्जर्व करना है, आपको उसको देखना है कि वो क्या क्या एक्टिविटी करवा रहा है, बच्चे कितने टाइम पे स्कूल पे आ रहे हैं, बच्चे कितने टाइम पे स्कूल में जा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम पे कर रहे हैं, लंच ब्रेक कब कर रहे हैं, फ्रूट ब्रेक कब कर रहे हैं, तो सभी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। तो आगे चल के इन्होंने देखो बता भी रखा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर छोटा सा एक दिन का लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। मान के चलो 8:30 स्कूल ओपन होता है, जब फिर 8:30 स्कूल लगता है, बच्चों का पहुंचना, मान के चलो जो नर्सरी या प्री नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 8:30 से पहले स्कूल पहुंच जाते हैं, या फिर जब पहुंचते हैं तो उसके बारे में लिखना, उसके बाद प्रेयर कब होती है, या फिर आप क्लास में कब जाते हो, अटेंडेंस कब लगाते हो, तो सभी डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है अवलोकन में। अवलोकन आपने प्रॉपर मान के चलो लिख दिया पूरे दिन का, उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन कर दिया ना अवलोकन भी कितने टाइम पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्टोरी अकॉर्डिंग आ जाएगा। मान के चलो जो जो चीज आपने चेक की, जो जो चीज आपने लिखी, थोड़ी सी ब्लर हो रही है, वेट कीजिए अभी इसको थोड़ा सा, या देखिए यहाँ से 8:30 से लेके 8:45 तक मान के चलो जो जो एक्टिविटीज हुई वो आपने अवलोकन में लिख दिया। ये आपके बुक में होगा, आप रीड कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। विशेषण, उसके बाद आपको क्या लगता है उसमें, मान लो जो जो आपने पिक किया, जो जो चीज आपको अच्छी लगी, वो चीज आपने विश्लेषण में लिखनी है, ठीक है। तो वो डिटेल्स आपने यहाँ से रीड करनी है, विश्लेषण लिखना है। तो 5 दिन का यही वर्क है कि आपको अवलोकन और विश्लेषण लिखना है। ये पूरे 1 दिन का होगा, उसके बाद 9 से 9:20 तक आपका प्रॉपर क्या लिखा है, अवलोकन, और फिर आपने विश्लेषण लिखा है उससे निकाल के, फिर आपने अवलोकन लिखा है 9:20 से 9:50 तक, फिर आपने प्रॉपर विश्लेषण लिखा है, उसके बाद आपका ये हो गया, उसके बाद 9:50 से 10:30 तक ये चीज आपकी आ गई, उसके बाद प्रॉपर आपने ये चीज मेंशन किया है पूरे 1 डे का, प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग जब तक आपका स्कूल लगता है दोपहर 12 बजे, फिर 12 से लेकर 12:45 तक लिख दिया, उसके बाद लास्ट पे आपने इसका कंक्लूजन निकाल दिया पूरे दिन का, ठीक है। पूरे दिन का निकालने के बाद फिर आपकी रिपोर्ट आ जाती है, वो भी आपने मेंशन कर देनी है। तो ये देखिए पूरे 1 दिन का इन्होंने प्रॉपर बता रखा है बुक में, यहाँ से आप इसको प्रॉपर रीड कर सकते हो। ये चीज़ आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में है, और अभी जो क्वेश्चन मीनिंग कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें स्टार्टिंग वाले पेज दे दीजिए, मैम हमें स्टार्टिंग्स वाले पेज दे दीजिए कि आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है वो स्टार्टिंग में कैसा रिटर्न करना है, तो उसका भी मैं एक आपको डेमो दिखा देती हूँ। ये देखिए एक मैं डेमो दिखा रही हूँ आपको स्टार्टिंग पेज का। देखिए जैसे मीनिंग जो DEC4 प्रोजेक्ट फाइल है ये आपका फ्रंट पेज हो जाएगा, और ये फ्रंट पेज आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम पे जाकर आपको डेकोरेटिव पेज में मिल जाएगा इससे अच्छा ज़्यादा। उसके बाद परियोजना फाइल, आप ये चीज़ आपने मेंशन करनी है डिप्लोमा अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज रहेगा परियोजना फाइल का पहला पेज, जैसे आपका नेम, आपका इनरोलमेंट नंबर, परियोजना की तिथि कब है, ठीक है, कब आप डिस्पैच कर रहे हो, कब भेज रहे हो, वो डिटेल्स आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपका इंडेक्स आ जाता है, प्रॉपर आपका जो 3 आपके चरण होते हैं, तो प्रॉपर आपने ये इंडेक्स बनाना है इसे अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका प्रॉपर ये सेकंड चरण का आ जाएगा 20 डेज का, फिर आपका तीसरे चरण का आ जाएगा जो मैंने मीनिंग आपको बताऊंगी अभी आगे चल के, ये तीसरे चरण का आपका इंडेक्स आ जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट वर्क का फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपने स्टार्टअप करनी है। उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि ये प्रथम चरण आपका 5 दिन का है, दूसरा चरण 20 डेज का, और तीसरा चरण आपका 5 डेज का है, तो सेम ऐसे स्टार्ट करना है। उसके बाद पहला चरण जो अवलोकन अवधि है वो आपने स्टार्ट कर दी है, और उसमें जैसे अभी आपके जो बुक है, देखिए बुक में भी हमने यही बताया है अवलोकन और विशेषण, तो सेम चीज़ आपकी ये लिखी हुई है अवलोकन और विशेषण, तो ये चीज़ आपने यहाँ से क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है जो आपके DEC4 की बुक है। तो ये चीज़ आपने सेम ऐसे ही करनी है। उसके बाद देखिए अभी मैं आपको सिंपल दिखा देती हूँ फर्स्ट डे का, उसके बाद आपने ये कंक्लूजन निकालना है, फिर आपका क्या आ जाता है दूसरा दिन आ जाता है, और उसका आपने रिपोर्ट लेखन करना है, तो वो चीज़ आपने खुद से करनी है। अभी इस वीडियो में मैंने आपको एक डेमो बता दिया भी आपको कैसे स्टार्टअप करना है, दूसरा दिन तीसरा दिन, चौथा दिन या पाँचवा दिन, फिर आपने अपने अकॉर्डिंग रिटर्न करना है सभी, और उसके बाद लास्ट वाले दिन आपने प्रॉपर रिटर्न करने के बाद रिपोर्ट भी मेंशन करनी है, गाइड की भी करनी है, तो वो डिटेल्स आपने रिटर्न करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा चरण।
दूसरा चरण जो कि आपका, जैसे कि आप पहले चरण पढ़ चुके हो, परियोजना कार्य के दूसरे चरण में आपको बच्चों के समूह के साथ 30 क्रियाएंशा तक संचालित करनी होंगी। मान के चलो मैंने पहले ही बता दिया था कि 20 डेज का आपका दूसरा चरण होगा, उसमें 30 एक्टिविटीज होगी। तो 30 एक्टिविटीज का मेन जो इंक्वायरीज रहती है, कमेंट्स रहती हैं कि मैम कौन से टॉपिक पे बनानी है, तो ये टॉपिक इन्होंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। पहला दिन आपका क्रिया छात्र वन जो रहेगी, शरीरक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं रहेंगी। अब ये देखिए, ये आपने टाइटल तो पढ़ लिया बट समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा टाइटल है, कहाँ से एक्टिविटी लें, तो इसके बारे में भी नेक्स्ट इन्होंने आगे बता रखा है बुक में, आप चेक कर सकते हो, या फिर आपके जो मीनिंग बुक्स आई हैं उसमें जो आपके चैप्टर्स हैं तो वहाँ पे भी आपको ये एक्टिविटीज मिल जाएंगी। बट उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, आपको ढूंढना होगा, फिर जाके आप एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो। अगर इजी मेथड चाहती हो, सॉल्व मीनिंग चाहती हो, फिर तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, जिसमें प्रॉपर आपको सब मीनिंग लिखी लिखाई मिलेगी, जिसको देख के आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। या फिर कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी तक जो मैंने बताया, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। दूसरा जो दिन रहेगा आपका, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं रहेंगी। तीसरा जो दिन रहेगा, हाव भाव के रिगार्डिंग। चौथा दिन रहेगा ड्राइंग संबंधी क्रियाएं। और देखिए, ये एक आपकी क्रिया मीनिंग क्रियाएं हैं जो आपने दूसरे चरण में करनी है। बहुत सारे बच्चों की ये इंक्वायरीज रहती है कि मैम हमने ना ऊपर नीचे कर दी क्रियाएं, क्या इसका कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं आती, आपका टॉपिक होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई इशू नहीं होता, ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोज बनानी होती हैं। उसके बाद देखिए, प्रॉपर 10 दिन की एक्टिविटी होगी। उसके बाद देखिए, जो 11वां आपका दिन है उसमें आपको 2-2 एक्टिविटीज करनी होती है। तो 2-2 एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ये इन्होंने प्रॉपर टाइटल्स आपको बता रखी हैं, मेरे परिवार के अकॉर्डिंग या फिर कहानी सुनना, ठीक है? 11वें दिन में ये 2 एक्टिविटीज होगी। 12वें दिन में आपका जो रहेगा जानवर पर रहेगा, और फिर पत्तों और फूलों के सब्जियों के ऊपर रहेगा। 13वें दिन में आपका मौसम के रिगार्डिंग रहेगा, और दूसरी जो एक्टिविटी रहेगी शरीर का स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए रहेगी। तो सेम ही आपका प्रॉपर 20 डेज का इन्होंने सभी डिटेल्स आपको बता रखी हैं। तो ये देखिए, 18वां दिन और 19वां दिन और 20 दिन, तो 20 दिन में भी टोटल आपके 30 जो एक्टिविटीज है, ये टाइटल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो रिटर्न करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद इन्होंने वही जो डिटेल्स आपकी बताई है उनके बारे में हैंड बताए हैं, मन को बताया है कि कहाँ से आप ले सकते हो। 3 किराएं जो आपकी रहती हैं, जैसे छात्र संख्या 2, 18 और 13, यहाँ से आप मैंने उसको ले सकती हो। इतना थोड़ा बहुत आपको फाइंड खुद से करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इन्होंने क्या बता रखा है, जो ये आपका सेकंड पार्ट है, कैसे रिटर्न करना है, इसका रिटर्न करने के लिए क्या क्या आपको डिटेल्स रिटर्न करनी है। तो उसके बारे में भी इन्होंने आगे चल के थोड़े बहुत डिटेल्स बताई थी, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हम चेक करते हैं। ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ये देखिए, जो आपका सेकंड पार्ट है उसका जो फर्स्ट आपका रिटर्न करना स्टार्ट करना है, ये देखिए कैसे रिटर्न करना है, एक इन्होंने एग्जांपल बता रखी है। तो इसमें क्या करना है, जो आपका मेन टाइटल रहेगा उसके बारे में क्रिया कौन सी करनी है, उसका टाइटल आ जाएगा क्रिया का, विषय वस्तु उसका क्या रहने वाला है, मटेरियल उसका क्या रहने वाला है, रिपोर्ट उसकी क्या रहने वाली है। तो ये डिटेल्स आपको एक डेमो है, तो इससे आप मीनिंग ले सकते हो। उसके बाद आपको प्रॉपर अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है। बाकी मैं इस वीडियो पीडीएफ में भी आपको दिखा देती हूँ एक डेमो कि दूसरा दिन जो रिपोर्ट लेखन का आपने कैसे करना है। देखिए, इसमें इन्होंने बता रखा है, इस अवधि के दौरान मैंने 5 दिनों के लिए गाइड का अवलोकन किया था और वह बच्चों के लिए किस तरह से अध्ययन और प्रशिक्षण दे रहा है। तो ये चीज़ मैंने दूसरा चरण मैंने ओपन किया है। तो दूसरे चरण का पहला दिन जो गतिविधि छात्र वन है, गतिविधि योजना और रिपोर्ट लेखन, ये हर एक चीज़ आपको लिखनी है, जो आपकी एक्टिविटीज है उस पर मेंशन करनी है। पहले देखिए आपका क्या है, कार्य योजना क्या रहेगा, उसके बाद लक्षण आपके क्या रहेंगे, सामग्री आपकी क्या रहेगी, ठीक है, ये पूरी डिटेल्स है, पिक्चर्स ऐड कर सकती हो, ड्रॉ कर सकती हो, उसका रिपोर्ट आपका क्या रहने वाला है, गति क्षेत्रीय छात्र का रिपोर्ट क्या रहने वाला है, वो प्रॉपर डिटेल्स आपने इस तरह मेंशन करनी है। उसके बाद देखिए, ये आपका फिर दूसरा दिन आ जाता है, तो आपने इस अकॉर्डिंग अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है रिटर्न करना है। बुक में भी सेम इन्होंने बता रखा है। तो इन्होंने एक एक एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छे से इसको रीड करना है। आगे चलते हैं हमारा तीसरा चरण, जो कि हमारा प्रॉपर 5 दिन का होता है।
यहाँ पे बुक में भी इन्होंने देखिए किरिया छात्र के बारे में सभी डिटेल्स बता रखी है, किरिया योजना कैसे करनी है, आपने रिपोर्ट मेंशन कैसे करनी है, सब डिटेल्स इन्होंने बता रखी है। आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ को अच्छे से रीड करके मेंशन कर सकते हो जो भी आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में रिटर्न करना चाहते हो। देखिए किरिया छात्र 27 सभी डिटेल्स इन्होंने दी हुई है, आगे 28, 29, उसके बाद आ जाते हैं हमारा किरिया 30। तो 30 की डिटेल्स भी इन्होंने प्रॉपर बता रखी है आपके। उसके बाद आता है देखिए हमारा तीसरा चरण जो रहेगा हमारा 5 दिन का। तो इसमें क्या करना है आपको, प्रॉपर 5 डेज में मान के चलो अगर आप एक दिन में 3 एक्टिविटीज करवाते हो तो 15 एक्टिविटी होती है, अगर 4 एक्टिविटी करवाती हो तो 20 एक्टिविटीज होती है। तो उसके बारे में भी डिटेल्स इन्होंने बता रखी है कि पहले आपको अपना जो मैंने पाठ्यक्रम आपने लिखना होता है, डिटेल्स बनानी होती है, मान के टाइम टेबल होता है वो बनाना होता है कि आप कितने टाइम पे क्या क्या करवा रही हो, तो उसका एक डेमो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसको भी आप रीड कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो। किरिया योजना कैसे लिखनी है, एक दिन में अगर 3 लिख रहे हो तो कैसे लिखनी है, अगर 4 लिख रहे हो तो सेम आपकी 20 हो जाएगी, वो आपने कैसे लिखनी है। तो उसके बाद बच्चों के साथ काम करना है, एक इन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट की हुई है तो रिपोर्ट लिखा की एग्जाम्पल है, इसको भी आप रीड करके सेम एज अ लिख सकते हो। उसके बाद आप आ जाते हैं एनेक्शर्स, जैसे मीनिंग वैसे तो न्यू गाइडलाइंस के पीछे एनेक्शर्स प्रोवाइड किए होते हैं, बट उस पे ना मेंशन किया होता है कि ये कोविड के अकॉर्डिंग है या फिर ये स्कूल ओपन के अकॉर्डिंग है, ये जो एनेक्शर्स है ये चेंज हो चुके थे, बट जो मार्क्स वाले एनेक्शर्स थे वो आप बुक से ले सकते हो। वो भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एनेक्शन न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लगेंगे, जो न्यू गाइडलाइंस आएगी उसके पीछे प्रोवाइड किए होंगे वही एनेक्शर्स हम लगाएंगे। ये एनेक्शर्स अभी के लिए आप नहीं यूज कर पाओगे, जब आपकी गाइडलाइंस आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपने बतानी है। उसके बाद इसके जो मार्क्स वाले इनेक्शर्स है वो आप यूज कर सकते हो, वो इनेक्शर्स मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आगे है आपके इनेक्शर्स वो वेट या ये जो इनेक्शन नंबर आपका 3 है, ये मार्क्स डिटेल्स का इनेक्शर्स है, इसको कैसे फिल करना है चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी, हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, इस पे प्रॉपर आपके मार्क्स रहते हैं कि एक्टिविटीज में कितने कितने मार्क्स आपने अपटेन किए हैं, तीसरे चरण में कितने मार्क्स अपटेन किए हैं, उसके बाद टोटल कितना है, और यहाँ पे आपके गाइड की मीनिंग रिपोर्ट आएगी जो आपके बारे में लिखेगा कि इसने मेरे अंडर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट किया है, और यहाँ पे गाइड के साइन आ जाएंगे। उसके बाद एनेक्शर जो 6 वगैरह होते हैं जैसे स्कूल वाले एनेक्शर्स होते हैं वो भी इस मीनिंग बुक में से आपको मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद फीडबैक फॉर्म भी इस बुक में से काफ़ी अटैच किया गया है, जो भी आपको मीनिंग फॉर्म वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, इसको प्रिंट निकाल सकते हो, क्योंकि सभी जो एनेक्शन फॉर्म्स रहते हैं वो ब्लैंक है तो आप ही इजी से फिल कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको अभी तीसरे चरण का भी डेमो दिखा देती हूँ वीडियो में कैसे रिटर्न करना है। अभी देखिए तीसरा चरण जो आपने रिटर्न करना है, ये देखिए इसका पाठ्यक्रम क्या है, कार्य योजना और रिपोर्ट लेखन क्या है। पहले आपको इस अकॉर्डिंग अपना मीनिंग टाइम टेबल क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही इसके ऊपर आपका जो सामान्य रिपोर्ट रहेगी वो आपकी मेंशन की जाएगी। तो ये चीज़ आप चेक कर सकती हो, वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकती हो कि इसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो रिटर्न करना है। अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क की हार्ड कॉपी चाहिए विदिन 10 डेज में, विदिन 15 डेज में या विदिन 2 डेज में, तब हम प्रोवाइड कर देंगे, हमारे पास स्टॉक है। तो उसके लिए आप जो व्हाट्सएप मैसेज कर सकती हो। अगर सॉलर PDF चाहिए प्रॉपर प्रोजेक्ट वर्क की विद रिकॉर्ड लेक्चर्स, जिसमें हम प्रॉपर आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ और बताते हैं कि आपने अपना प्रोजेक्ट प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैसे सबमिट करना है, वीडियोस के बारे में भी सब बताते हैं, थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, टाइटल्स कैसे रिटर्न करना है, सब लिस्ट प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस अगर आपको वो डिटेल्स चाहिए तब भी आप जो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने प्रॉपर मैंशन करनी है। अभी मैं बिल्कुल लास्ट भी आपको लेके चलती हूँ PDF में, तो इस पे भी इन्होंने प्रॉपर एक्स्ट्रा फॉर्म प्रोवाइड किए हैं तो ये हम नहीं लगाएंगे। तो लास्ट पे ये आपका जो प्रोजेक्ट वर्क का पेज रहेगा, जो भी आपके मीनिंग एक्टिविटी रहेंगी वो आपकी एट लास्ट पे रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं लास्ट वाले जो आपके स्कूल वाले होते हैं, जैसे एनेक्शर 6 हैं ये बुक में से हैं, तो ये एनेक्शर्स पे आपको स्कूल के साइन और स्टैंप भी लगानी होती है, बाकी के जो एनेक्शर्स रहेंगे न्यू गाइडलाइंस में रहेंगे। तो देखिए सभी बच्चों के पास बुक्स अगर आई है तो बुक ओपन करके आप इस वीडियो को देख सकते हो, और मैंने डीपली आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे आप रिटर्न कर सकते हो। अगर खुद मेहनत करके कर सकते हो तो वेरी गुड है, अदरवाइज आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो तो हम तो है ही, हम आपको प्रॉपर आपकी मीनिंग हम हेल्प प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।